क्रयो वेल्डमेंट सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम इस ब्रिज को डिजाइन करेंगे। अभी ये मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हमने सबसे पहले स्केलेटन बनाया है जो कि एक पार्ट फाइल है एंड इसके से ही इसे बनाया गया है। देन यहाँ पे असेंबली मिला के इसमें डिफरेंट टाइप के बार्स इसमें असेंबल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्केलेटन डिजाइन करके देख लेते हैं कि उसे कैसे डिजाइन किया है। यहाँ पे हमारी स्केलेटन फाइल है एंड इसका एक बार डायमेंशन आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले 100x48 इंच का एक ये बेस बनाया गया है। तो ये बेस है। इसके बाद इस बेस से एक तरफ 24 डिस्टेंस पे एक प्लेन बनाया गया है एंड इस प्लेन पे एक स्केच बनाया गया है। इस वीडियो में हम इसका ये जो स्केच फ्रेम है ये बनाने नहीं जा रहे, सिर्फ हम इसमें वेल्डमेंट का यूज करके इसे ब्रिज कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे। तो स्केल्टन बनाने के लिए हम सिर्फ स्केच का यूज करेंगे एंड यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा करिए। देन ये लाइन्स ड्रा कर लीजिए एंड जो जो डायमेंशन हमने प्रोवाइड किए वही डायमेंशन आप बना लीजिए। यहाँ पे पॉइंट का यूज किया गया है, ये जो पॉइंट्स है इन 1, 2, 3 पॉइंट्स को भी लगाया गया है एंड इस पॉइंट को एंड इस लाइन को इन दोनों को लेके डायमेंशन 10, अगेन इस पॉइंट एंड इस लाइन की डायमेंशन 20 एंड इस पॉइंट एंड इस लाइन की डायमेंशन 30 है। इस लाइन से एंगल जो है 135 है। ये तीनों का एंगल बराबर है एंड बीच में सेंटर लाइन खींच के इस पूरे स्केच को इधर मिरर कर दिया गया है एंड कमांड से बाहर चलते हैं। इसके बाद इस सेंटर प्लेन से इस स्केच को हमने मिरर कर दिया। तो मिरर करने के बाद ये प्लेन मिला एंड इस पूरे ड्राइंग को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसका नाम है फ्रेम ब्रिज। इसे सेव करने के बाद हमने एक न्यू असेंबली फाइल में ओपन किया है। तो यहाँ पे हम चलिए फिर से एक असेंबली फाइल क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। असेंबली फाइल क्रिएट करिए एंड नेम दे दीजिए ब्रिज एंड ओके। यहाँ पे सबसे पहले आप इस जो मॉडल को बनाया है उसको इंपोर्ट करिए। ये फ्रेम ब्रिज इसका प्रीव्यू देख लीजिए एंड इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसके सेंटर से इसका सेंटर मैच करा दीजिए या फिर यहाँ पे डिफॉल्ट इसको पोजीशन दे दीजिए एंड ओके। इतना करने के बाद आप यहाँ पे फ्रेमवर्क में चलिए। फ्रेमवर्क में आने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे दीजिए एंड ओके। इसके बाद न्यू प्रोफाइल में चलते हैं। यानी अब यहाँ पे हमें इस पूरे जो स्केलेटन बनाए हैं इस स्केलेटन में डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल यूज करेंगे एंड उन प्रोफाइल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले न्यू प्रोफाइल बनाते हैं। न्यू प्रोफाइल में ये इस प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। इतने यहाँ से हम एमएम प्रोफाइल में चलेंगे। एमएम प्रोफाइल में चलने के बाद हम सबसे पहले इसमें जो नीचे वाले जो मेन वाले बार्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पे हमने यूज किया है चैनल बीम का, इसे ओके कर लीजिए एंड देन यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं तो किसी भी एक टाइप को सिलेक्ट करिए। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डायमेंशंस आ जाएंगी तो हम यहाँ पे डायमेंशन 160 रखेंगे। 160 अराउंड 6 इंच के बराबर हो जाएगा तो इतना इनफ है। 160, 65 एंड 7.5 ओके। इतना करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करिए लाइन का। लाइन सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन में सेलेक्ट क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसका ओरिएंटेशन ऊपर की ओर है। हम चाहते हैं सी का ओरिएंटेशन बाहर की तरफ रहे तो इसे रोटेट करिए। -90 डिग्री कर दिया। अब इसे फ्लिप कर दीजिए ऐसे एंड चेक कर लीजिए कि इसका पोजीशन सही है कि नहीं। पोजीशन मेक से सेंटर वाला ही रखिएगा हर एक ऑब्जेक्ट का। देन अगेन रिपीट, फिर से इसी में क्लिक करिए। -90 एंड रिवर्स फेस सेंटर फ्रेम, फिर से रिपीट सेंटर -90 एंड यही प्रोसेस इस साइड दोहरा दीजिए।
अगर गलत लग जाए तो फिर से कोई भी अगर कंपोनेंट गलत सिलेक्ट हो जाए तो फिर से इस लाइन में क्लिक करके सही लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड अगेन -90 सेंटर प्रोफाइल, ओके। एंड हमें फिर से इन जो नीचे वाले बार्स हैं इनमें भी इसी सेम प्रोफाइल का यूज करना है, तो यहाँ पर भी क्लिक कर लेते हैं, सही जगह ऑटोमेटिक सही ओरिएंटेशन के साथ प्लेस हो गई है। देन रिपीट, इस लाइन में क्लिक करते हैं, देन अगेन रिपीट, इस लाइन में क्लिक करते हैं, देन इसे फ्लिप कर देते हैं बाहर की ओर, देन अगेन रिपीट एंड इसे भी फ्लिप कर देते हैं, ओके। ये फ्रेम हमने बना लिया। इतना बनाने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अब हमें प्रोफाइल चेंज करना है, देन यहाँ पे फिर से न्यू प्रोफाइल्स, न्यू प्रोफाइल्स में अगर सेक्शन टाइप चेंज करना है देन अब हम लेंगे एंगल बीम टाइप, इसे ले लीजिए। एंड यहाँ पे जिसकी एच ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे हम एक स्टेप बनाएंगे, स्टेप बनाने के लिए एच की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। इसमें क्लिक करिए, देखिए एच की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, इट मीन हम 6 10 इंच के बराबर ये इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, यानी 10 इंच 200 के अराउंड, ये है 200 × 24, 200 × 20 ये वाली प्रोफाइल ले लेंगे एंड ओके। इतना करने के बाद नेक्स्ट, एंड अब देखिए यहाँ पे हमने लाइंस नहीं बनाई। अब लाइन जब नहीं बनाई तो यहाँ पे हम पॉइंट यूज करेंगे। इस पॉइंट में क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करिए सावधानी से, एंड उसके बाद इस सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करिए। जैसे इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद इसमें निगेटिव 90 एंड फ्लिप 0 डिग्री फ्लिप, ये सही है। लेकिन एक चीज देखेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल जैसी हम चाह रहे थे वैसी प्रोफाइल नहीं लगी, इसे क्लोज कर दीजिए यहीं पे। अब इसकी अगर प्रोफाइल बदलनी है तो मॉडिफाई टाइप, इसमें क्लिक करने के बाद इस सेक्शन में क्लिक करिए, देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेक्शन आ जाएंगे एंड जैसा सेक्शन चाहिए फिर से यहाँ पे हम अपने सेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन एंगल बीम एंड यहाँ पे एच एंड बी जिसमें डिफरेंट होते हैं, इस बार डी आई एन वाले ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 200, 100 एंड 10, यानी ये हाफ रहेगा इसका, देन इससे अच्छा रहेगा कि हम ले लें, ओके इसे लगा के देखते हैं एंड ओके। इतना कर लिया, अब इसकी पोजीशन को फिर से बदलना पड़ेगा, देन मूव में क्लिक करते हैं। मूव में क्लिक करने के बाद फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन अगेन इसका पोजीशन चेंज कर लीजिए। हाँ, इन एंगल्स को जब तक चेंज करिए जब तक ये परफेक्टली अलाइन ना हो जाए ऑब्जेक्ट आपका, एंड यहाँ से इसके पोजीशन को चेक कर लीजिए। हमने मूव ये वाला ऑप्शन रखा है तो तीनों स्टेप में यही वाला ऑप्शन रखेंगे, ओके। देन फिर से रिपीट, अच्छा मूव नहीं करना, क्लोज कर दीजिए इसे। फिर से न्यू प्रोफाइल्स, सेम प्रोफाइल लेना है 200 × 20, ओके। नेक्स्ट, ये वाली प्रोफाइल नहीं लेना, हमको लेना है डिन, इसमें चलना है एंड 200 110। नेक्स्ट, यहाँ से फिर से पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट फ्लिप एंड ये वाला ऑप्शन, देन रिपीट। हम ऊपर बार्स लगाएंगे, देन यहाँ पे चलते हैं फिर से अगेन न्यू प्रोफाइल एंड सेक्शन टाइप चेंज करते हैं। इस बार पाइप लेते हैं एंड पाइप में लेते हैं हम 50 × 4, देन नेक्स्ट एंड यहाँ से लाइन सेलेक्ट करिए, एक एक लाइन को
सेलेक्ट करते जाइए एंड सेंटर वाला ऑप्शन रखिएगा यहाँ पे, देन रिपीट। एंड इसे क्लोज कर देंगे, जैसे क्लोज कर देंगे ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे सेंटर में एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बेस बनाने की ज़रूरत है, तो बेस बनाने के लिए हम मॉडल में आते हैं। मॉडल में आने के बाद इस बटन पे करते हैं क्लिक, क्रिएट ऑप्शन में, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पार्ट एंड सॉलिड यानी इसका नेम दे दीजिए बेस एंड इंटर। इसके बाद क्रिएट फीचर्स में क्लिक करिए, ओके। देखेंगे इसके लास्ट में बेस पीआरटी बन गया है, देन यहाँ पे प्लेन एक्टिवेट कर लीजिए एंड अच्छा होगा कि आप इसके टॉप प्लेन पे स्केच बनाइए। इसके टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सट्रूड करिए। इतना करने के बाद इस ब्रिज असेंबली को राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिए, देन आप फिर से असेंबली एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें जितने भी ये बीम लगाए हैं इनको सही से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन फिर से फ्रेमवर्क में चलेंगे एंड यहाँ से बेसिक ज्वाइंट का ऑप्शन लेंगे, देन ज्वाइंट टाइप ये रखेंगे 1 एंड 2, फर्स्ट सेकेंड रिपीट। फर्स्ट सेकेंड रिपीट करने के बाद फिर से रिपीट एंड अब लेंगे ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट प्रोफाइल अप टू सेकेंड प्रोफाइल रिपीट, फर्स्ट प्रोफाइल अप टू सेकेंड प्रोफाइल। अब देखेंगे एक प्रोफाइल हमारी धोखे से गलत तरीके से ट्रिम हो गई है, देन अगेन हम फिर से बेसिक ज्वाइंट टाइप लेंगे, फर्स्ट प्रोफाइल सेकंड प्रोफाइल, देन अगेन हम इसमें अप्लाई करेंगे एंड ओवरराइट करेंगे यहाँ तक, ओके एंड क्लोज। देन इस तरीके से ये हमारा पूरा ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे चल के हम सारी चीज़ें बंद कर देते हैं एंड जो फ्रेम वन में जितने भी स्केच थे इनको हाइड कर दीजिए। परफेक्ट ब्रिज कंप्लीट हो गया है एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीखने में कैसा लग रहा है। कमेंट करेंगे तो हमें अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।